पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जेठालाल का खुलासा। सेट पर शूटिंग के वक्त दिमाग में रहता है डर। जी हां, पॉपुलर सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जेठालाल यानी टीवी स्टार दिलीप जोशी और दूसरे कलाकारों ने शुरू कर दी है सीरियल की दोबारा से शूटिंग। सेट पर सरकार द्वारा जारी की गई सारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए और लंबे समय के ब्रेक के बाद सेट पर वापसी कर जेठालाल यानी टीवी स्टार दिलीप जोशी हैं बेहद खुश। एक न्यूज पोर्टल से बात करते हुए जेठालाल यानी टीवी स्टार दिलीप जोशी ने दोबारा से शूटिंग को लेकर अपनी खुशी बयां की और साथ ही साथ अपने मन के डर की बात भी बता दिया। दिलीप जोशी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि हम हर एपिसोड लगभग 4 एक्टर के साथ शूट कर रहे हैं। हमने क्रू के सदस्यों में भी कटौती की है क्योंकि बहुत सारे कलाकारों की मौजूदगी से संक्रमण फैलने का डर रहता है। खासतौर पर एक्टरों को शूटिंग के दौरान वायरस के संपर्क में आने का सबसे अधिक खतरा रहता है क्योंकि वो कैमरे के सामने मास्क नहीं पहनते हैं। दिलीप जोशी ने बताया कि शूटिंग के दौरान डर हमेशा उनके दिमाग में रहता है क्योंकि वो मास्क और ग्लव्स पहने हुए लोगों और सैनिटाइजर स्टैंड से घिरे रहते हैं। सेट पर पूरा माहौल बदल गया है और दिन के अंत तक आप मानसिक रूप से थक जाते हैं। दिलीप जोशी ने बताया कि वो 11 जुलाई से सुबह 8 से शाम 6 बजे तक दिन में 10 घंटे शूटिंग करते हैं। इस दौरान शो के प्रोड्यूसर असित मोदी शूटिंग के लिए सारी प्रिकॉशन का रख रहे हैं पूरा ख्याल। हम सब लोग गवर्नमेंट के निर्देशों का पालन करते हैं, सब लोग मास्क पहन के सोशल डिस्टेंसिंग करके हम लोग हिम्मत करके शूटिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा 22 जुलाई से आप सभी को हंसाने के लिए है तैयार। इसके साथ ही सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा 28 जुलाई को कर रहा है पूरे 12 साल। जी हां, तारक मेहता का उल्टा चश्मा 28 जुलाई 2008 को हुआ था ऑन एयर और पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से ये शो अपने फैंस के दिलों पर कर रहा है राज। वैसे खबरें तो ये भी आ रही हैं कि शो के 12वीं वर्षगांठ पर शो के मेकर्स कुछ स्पेशल प्लान कर रहे हैं और हो सकता है सीरियल के इस 12वीं सालगिरह सेलिब्रेशन में दया बहन भी नजर आएं।